तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं आज आपके लिए क्लास 9th का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है जो 2018-19 में पीरियोडिक टेस्ट, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मार्क्स और वेटेज आप देख सकते हैं। चलिए हम सीधा अपना क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और ये आंसर आपको देने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसी के कुछ क्वेश्चंस ये हैं। और दूसरा है आपको पद्यांश के आधार पर यानी कि कविता टाइप में आपको दी गई है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से लेकर और ये नीचे यहाँ तक दे रखा है, इसे पढ़ लीजिए और उसी के आधार पर ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये नहीं आता है, आपने नहीं ये पढ़ा है, तो आप ये अथवा में ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चन आगे दिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन को दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा और इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये उसी क्वेश्चन नंबर दूसरे के पद्यांश के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आता है हमारा व्याकरण वाला भाग। इसमें आपको पहले उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखना है। तो इसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, फिर इसमें से किन्हीं दो शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो आपको इसमें से ये सब अलग करना है। ठीक है, दोनों दो दो मार्क्स के हैं, किन्हीं दो में से आपको लिखना है, तीनों में से। ठीक है, फिर है ये 3 मार्क्स का, किन्हीं 3 शब्दों के विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो आपको इनका विग्रह करना और समास का नाम यहाँ पर बताना है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि अर्थ के आधार पर किन्हीं 2 वाक्यों के भेद लिखिए। ये 3 वाक्य हैं, आप किन्हीं 2 के भेद लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है खा है इसका, निर्देश अनुसार किसी 2 वाक्यों में परिवर्तन लिखिए। तो आप इन तीनों में से किसी दो दो का आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है हिंदी का पेपर। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके इसमें मार्क्स 80 में से 75 तक आसानी से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, काव्यांश में से किन्हीं 4 को अलग करके मतलब अलंकार भेद पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो ये काव्यांश है, इनमें से किन्हीं 4 अलंकारों को आपको पहचानना है और उनको लिखना है। ठीक है, आगे है सेक्शन नंबर सी यानी खंड ग, ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछे, ये पहले आपको पढ़ना है, ये चीज़ आपको पूरी पढ़नी है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 8 ये है। ठीक है, तो इसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, 2 ऊपर हैं, 3 यहाँ पर हैं। तो आपको यहाँ पर कोई एक छोड़ना है और 2 आपको लिखने हैं, मतलब 4 लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इसमें आपको ये इसको पढ़ना है और इसके आधार पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको इन्हें मतलब बताना है इसका आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर दीजिए। ये 5 दिए हुए हैं, आप इनमें से किन्हीं 4 का आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे ये हवेली शब्द हटेली शब्द का प्रयोग चंद चंद्र गहना से लौटती वेद कविता में कवि ने क्यों किया है। आपको कविता पढ़नी अच्छे से आनी चाहिए और उनके आंसर भी पता होने चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, माटी वाली पाट के आधार पर विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए, या फिर माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है, ये आपको बताना है। बहुत ईजी है दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपको यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिखना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है, आपको प्रस्तावना, आपदाओं का कारण, नुकसान निवारण, उपसंहार, ये सब आपको लिखना है। बहुत ही ईजी दोस्तों है, आप 10th से ऊपर जाएंगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अब ये पेपर ख़त्म होने वाला है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, सुबह के भ्रमण एवं व्यायाम का लाभ बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र लिखना जरूरी है। ठीक है, आपके गली में एकत्र कूड़े को ना उठाने पर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए, या फिर मतलब यही 2 हैं, आपको इन दोनों में से कोई ये करना है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आप रोड पे जाते हैं तो यातायात के जो नियमों की अवहेलना लोग करते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आपको लिखना है। फिर विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर लगाने के बारे में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पेपर जो वो समझ में आ गया होगा और आंसर कैसे लिखना है और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं
वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी 9th क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई और एक्साइटिंग वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।